नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। यूपी के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की एक अहम सीट है मीरापुर। इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मोरना के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के सम्मानित मतदाता हैं। यहाँ पर एक सब का माहौल है, बराबर में चक्की है, लोग बैठे हुए थे, दुकान है, इनसे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या मुद्दे हैं इन लोगों के। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पे अपना प्रभारी घोषित कर दिया है जाहिद हुसैन को, जो कि रुड़कली से हैं, नौजा समाज से आते हैं। वहीं बहन जी भी पहली बार उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार चुकी हैं। उन्होंने ईशान नगर पर दाव खेला है, वो कनाडा से हैं, नौजा समाज से आते हैं। वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी तय नहीं है, लेकिन तैयारियां उनकी भी जोरों पर हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति है दोनों बड़ी पार्टियों में। तो किस पार्टी का इनको यहाँ पर माहौल लगता है और क्या चुनावी मुद्दे हैं, तो सीधे जनता से ही जान लेते हैं। जब तक ये प्रत्याशी डिसाइड नहीं होते, तब तक किसी इलेक्शन के बारे में कोई सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, पता चलेगा भाई हम कौन कौन से कैंडिडेट आ गए हैं, तब कोई आम पब्लिक जो है वो जब ही तो मन बनाएगी। ये तो अभी तक जो है इन्होंने बहुत लंबा खींच दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक वैसे तो जो क्षेत्र के नेता हैं उनको पहले से ही उनको देखभाल के उनको पहले से ही लाइन में लगा के रखना चाहिए, ताकि वो पब्लिक का काम कर सकें। क्योंकि यहाँ जो लोगों के हमारी खासकर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो ये रहा है कि जब अभी अब से पहले जितने भी कैंडिडेट आए, कोई हरियाणा से आके लड़ा चला गया, यहाँ देखा नहीं, कोई पंजाब से आके लड़ा, कोई कहीं से आके लड़ते हैं और रिजल्ट उसका नील रहता है, वो रहते नहीं है यहाँ, कोई देखता भी नहीं है। मनु नागर को एमपी बनाया, कभी इलाके में आज तक आए नहीं। इस बार तो स्थानीय थे लेकिन वो सांसद बन गए। अच्छा, वो स्थानीय हैं, सांसद बन गए, इनका तो एक अच्छा प्रोग्राम रहा, यहाँ की तो खानदानी प्रोग्राम है इनका। इनके दादा भी यहीं से लड़े थे मोरना से, और जो है बाबा भी इनके जो है पिताजी भी यहीं मोरना से लड़े, ये भी लड़ गए। और इत्तेफाक से इनके दादा तो दो बार नहीं लड़े यहाँ से, इनके तो पहले वो MLA बने थे, फिर वो MP बन गए संजय सिंह, इसके बाद जो है ना ऐसे ही ये संजय सिंह ये चंदन पहले MLA बने, अब MP बन गए। ये तो एक अच्छा परिवार है, खानदान का, इनकी काफ़ी देन भी है हमारे यहाँ। भाई ये मील जो है वो चौधरी नारायण सिंह की देन है, जिसकी वजह से आज हमारा समाज जो है यहाँ चारों तरफ का जो है डेवलप हुआ है। मील लगने से बहुत काफ़ी फायदे हुए हैं। और इसका विस्तारीकरण का जो श्रेय है वो भी चंदन को जा रहा है। हाँ, जाना चाहिए जो है ना, विस्तारीकरण तो चंदन सिंह को करा देना ही चाहिए। अब वो MP अगर हो चुकी है इसकी भी, तो उन्हें कर लेना चाहिए। अच्छे बताइए, एक प्रत्याशी का नाम चल रहा है आपके जो मोरना के प्रधान है सरविंदर राठी, सपा से टिकट मांग रहे हैं समाजवादी से जी। हाँ, तो समाजवादी में अगर इनका टिकट होता है तो मुझे अच्छी बात, कम से कम हमारे क्षेत्र का आदमी हो। क्षेत्र के आदमी की सबसे बड़ी बात यह है भाईजान कि अगर कोई क्षेत्र का आदमी है हमारे, तो वो चाहे मेरा काम नहीं करेगा तो इनसे ताल्लुकात होंगे, इनके साथ इनकी वजह से काम करेगा, उनके ताल्लुकात होंगे किसी ना किसी का, तो वो काम करेगा। मजबूरी है, अगर क्षेत्र का कोई भी आदमी है तो उसके ताल्लुकात भी क्षेत्र के लोगों से ज़्यादा होंगे। जब क्षेत्र के ज़्यादा लोगों से ताल्लुक होंगे तो उनका काम भी वो उनका ही करना पड़ेगा। तो अगर बाहर के आगे जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब पीड़ा रही है इस पूरी विधानसभा की, कि बाहरी इस बार डिमांड हो रही है कि स्थानीय होना चाहिए। हाँ, ये अब के ये बात पूरी तरीके से हम लोग जो है ना डिसाइड किए हुए हैं कि हम अब के क्षेत्रीय आदमी को टिकट वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जाहिद आ गए हैं जोजा समाज से, हाँ तो एक शाह नजर आ गए, तो कुछ वोट जाएगा उधर भी? हाँ, अगर रावण जो है वो जो चंद्रशेखर हैं वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं, और ख़ासकर मुस्लिम समाज के फेवर में भी अच्छा बोल रहे हैं, तो और पार्टी खुल के नहीं बोलती, जबकि उन्हें बोलना चाहिए भाई। अगर कोई किसी के साथ भी कोई अन्याय हो रहा है तो उसको जो
पार्टियां हैं उन्हें बोलना चाहिए खुल के, कहीं तो, आफत तो नहीं आ गई। तो इसका लाभ मिलेगा चंद्रशेखर को इस चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो जैसे वर्ष में हैं और वो जो है ना बोल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो अगर फायदा होना तो जीत भी सकते हैं मीरापुर में, भी जीत भी सकते हैं। मुख्य मुकाबला किसमें लगता है आपको? मुकाबला तो जो है ना वो इनमें मैं समझ रहा हूँ तीन पार्टियों में रहेगा, समाजवादी में या अगर ये इंडिया गठबंधन में या एनडीए गठबंधन में या रमण वाली में त्रिकोणी हो सकता है इस बार। बसपा तो क्या है मतलब त्रिकोणी है? हाँ बसपा का जनाधार खिसक गया, बसपा में तो है ही कुछ नहीं। अच्छा जब नहीं लग रहा पिछले चुनाव में तो 55,000 वोट लेके विजेंद्र चौधरी वो पहली बात अलग थी, ये अब जो है ना चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, नहीं नहीं अब नहीं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले तो चुनाव में लोगों ने इसलिए वोट दिया कि वो सोच रहे थे कि यो नहीं तो यो जीत जाएगा, मतलब उनको ही लग रहा था कि टक्कर विजेंद्र से। हाँ विजेंद्र से है वो, इसलिए धोखे में लोगों ने वोटिंग कर दिया, जबकि ऑलरेडी उन्हें उनके जिन्होंने जो विजेंद्र सिंह लड़े उनके उनकी अपनी वोट तो पड़ी नहीं कहीं भी, अच्छा ये नुकसान हो गया। अली साहब चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है इस बार मीरापुर में? डिक्लेयर होने के बाद ही पता लगेगा किधर जाएगा सैयद समाज। तो आपकी भी काफ़ी आबादी है, काफ़ी गांव है इधर, सादात 12 है आपका, आदमी को देख कर जाएगा जी क्षेत्र के। एक आपके प्रत्याशी की डिमांड हो रही है मियाँ मटरू के हिसाब जाते हैं अरुण जस्कर लोक दल की तरफ से। हाँ जिसे मिल जाएगा उसके बारे में, अगर वो आ गए मान लीजिए अरुण जस्कर का टिकट मिलता है तो समाज का क्या रुख रुझान रहेगा? उसी की तरफ चले जाएंगे फिर मियाँ मटरू के परिवार की तरफ। अच्छा अगर किसी और का टिकट होता है वो तो सब बर्बाद है, प्रत्याशी को देखेंगे। अच्छा अगर अरुण जस्कर का टिकट होता है तो क्या रुझान रहेगा समाज का? कोई रुझान नहीं, अगर काम करने वाले कैंडिडेट को देखेंगे चाहे वो जो है ना समाजवादी का हो बसपा का हो या उसका रावण का, जो हमारे क्षेत्र में काम करेगा हम उसको वोटिंग करेंगे। नहीं काम तो तभी करेगा ना जब जीतेगा। हाँ अगर अरुण जस्कर आते हैं क्षेत्रीय हैं चोली के हैं और दूसरा प्रत्याशी सभा से स्थानीय आ जाता है तो ये कौम इतनी सैयदों की छोटी सी कौम जो है या अकेले अरुण जस्कर को सिर्फ वोट मिलकर आ जाता है वो सैयद है, ऐसा नहीं है कि भाई वो जो है सैयद हैं तो उन्हें जो है ना वोटिंग करो जी जबरदस्ती, नहीं उनके हालात हैं अगर हालात बनेंगे तो उनको भी वोटिंग कर सकते हैं। अच्छा देखेंगे अगर फाइट में होंगे तब वोट कर सकते हैं। ये किसको राजकुमार बना रहे हैं मीरापुर में? मीरापुर में तो जब सबके पर्चे डिक्लेयर हो जाएंगे जब विचार करा जाएगा, अभी तो पर्चा नहीं, स्थानीय पार्टी का भी कोई पर्चा नहीं है अभी। हाँ इंडिया और एनडीए की तरफ से प्रत्याशी तय नहीं है अभी, अभी कोई तय नहीं, तैयारी तो चल रही है, दबा के सम्मेलन भी कर रहे हैं लेकिन प्रत्याशी नहीं आया। प्रत्याशी अपने क्षेत्र के पूछ देंगे कौन होना चाहिए प्रत्याशी बताइए पार्टी के हिसाब से लोकल से कौन होना चाहिए आपकी आपकी क्या पसंद है? पसंद तो हो जो मान लो क्षेत्र का होगा लोकदल का होगा लोकदल वाले को वोट दे देंगे। जैसे नाम चल रहे हैं अजीत राठी संजय राठी प्रभात हैं गुड्डू इनका नाम चल रहा है और गुजर समाज से रमानागर हैं इनका नाम चल रहा है भाई मतलब जब भी कहा जाएगा जब मान लो पर्चे डिक्लेयर हो जाएंगे प्रत्याशी देंगे क्षेत्र को। अच्छा बताइए अगर आपके जो प्रधान हैं सरविंदर राठी सपा से टिकट की दावेदारी में हैं अगर इनका टिकट हो जाता है तो किधर जाएंगे? बढ़िया आदमी सरविंदर को किसी की तरफ चले जाएंगे फिर। हाँ लोकदल से भी कोई लोकली हुआ तो प्राथमिकता सरविंदर को देंगे या किसी और को? फिर तो अपने गाँव वाले को देंगे सरविंदर के साथ जाएंगे। हाँ प्रधान जी हाँ। अच्छा वैसे मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो क्षेत्र का आदमी क्षेत्र में काम करेगा। वैसे जैसे सरकार चल रही है सही काम कर रही है? हमारा तो भाई कोई ऐसा काम करता नहीं पर सही चल रही। ठीक है गन्ने का भाव जैसे सब कुछ ठीक है? बस सब ठीक है, सड़क सुरक्षा पानी सिंचाई सब ठीक है? सब ठीक है सब। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या रुख लग रहा है इस बार अंसारी समाज का? इस बार अंसारी समाज का जो है कि जो इलाके का है ना उसको वो पार्टी कोई भी हो वो पार्टी कोई भी हो अगर मान लीजिए बीजेपी लोकदल से स्थानीय प्रत्याशी आ जाता है और सपा किसी भारी को उतार देती है तो किधर जाएंगे? तो फिर सपा में जाएंगे।
नहीं, सपा तो बाहरी को उतारेगी, फिर किधर जाएंगे? फिर जो हमारे इलाके संजय चौहान सिंह है इसको जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर लोक दल से बीजेपी से कोई लोकल का प्रत्याशी आता है तो सपा से कोई बाहरी आ जाता है, लोकल पे जाएंगे, बाहरी पर जाएंगे, मतलब फिर लोक दल बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, प्रत्याशी यही कहना चाहिए, स्थानीय, मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार, ये मुद्दा बढ़िया, पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई हो, क्षेत्र का अपने क्षेत्र का हो। अच्छा बताइए, अगर प्रत्याशी स्थानीय किसी पार्टी से आ जाता है तो उसका रुख करेंगे, और अगर दूसरी पार्टी आपकी कोई पसंदीदा पार्टी है वो किसी बाहरी को उतार देती है? क्षेत्र में दो टिकट और मिले हुए हैं, और भी अभी आवेंगे। अच्छा, जैसे जाहिद और ये शानेजर है, जाहिद और शानेजर हैं, और दो टिकट और आवेंगे, उनको परी किस्मत होगा, जब उसके बाद जब टिकट होंगे जब पता लगेगा किस्मत दम है क्षेत्र में। वैसे अगर ये इन दोनों प्रत्याशियों की बात करें, जाहिद और शानेजर, इनमें किस्मत दम लग रहा है? मुझे इनकी जानकारी है। अच्छा, इनकी पता नहीं है इतना, ये तो नया चुनाव तो ठीक है, क्या लग रहा है मीरापुर में अभी क्या लगना है? दो प्रत्याशी तो आ गए, जाहिद और शानेजर, डिक्लेयर ही हो गए पैनजी की पार्टी से और आजाद समाज पार्टी से। अब ये देखिए, अगर वो नजदीक का हमारे जितनी नजदीक का होगा उसे, जैसे आपके प्रधान जी हैं ये भी टिकट मांग रहे हैं, सरविंदर राठी इनसे बढ़िया कोई है। अच्छा, नजदीक के और रात को दिन में सीट एग्जाम। अच्छा, अगर ये आ जाते हैं तो इन्हीं के साथ जाएंगे, और लोक दल से कोई स्थानीय आ जाता है? नहीं, मोरना का कोई अगर आ रहा है तो प्राथमिकता उसको देंगे, प्राथमिकता तो देंगे। अच्छा, अपने को देंगे। मोरना के सम्मानित मतदाता, इनका साफ कहना है कि अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए हैं एनडीए और इंडिया की तरफ से, लेकिन एक बात उभर के आई है, सभी ने एक मत में एक सुर में कहा है कि इस बार प्रत्याशी मीरापुर में स्थानीय होना चाहिए, और अगर कोई भी पार्टी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देती है तो उसको वरीयता देंगे, और अगर बाहरी प्रत्याशी आ जाता है तो उसका ये बॉयकॉट करेंगे। इस बार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नमस्कार।